नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। आज के टाइम पे काला धागा पहनने का चलन काफी ट्रेंड में है। ज्यादातर लोग काला धागा गले में, बाजू में, हाथ में और पैरों में बांधते हैं। मान्यताओं के माने तो काला धागा पहनने से बुरी नजर से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में इसे बांधने के कई अन्य उपाय भी बताए गए हैं। दरअसल बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को खत्म करने के लिए काला धागा बांध लेते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण में काला धागा सबसे ज्यादा महत्व देता है। आजकल सब लोग हाथ या पैर में काला धागा बांध के रखते हैं। ये एक तरह का ट्रेंड हो गया है। कई लोग इसे नजर हटाने के लिए बांध लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं काला धागा पहनना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज हम आपको बताते हैं कि किस राशि के लोगों को काला धागा नहीं धारण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और काला धागा का संबंध राहु और शनि से होता है। शनि और मंगल दोनों में शत्रुता का भाव है। वहीं मंगल का शुभ प्रभाव खत्म होते ही राहु का प्रभाव शुरू हो जाता है, तो दुरुपयोग का कारण बन जाता है। जीवन में कई लोगों की परेशानियों को जन्म देता है, इसीलिए इस राशि के जातकों को सोच समझकर ही काला धागा पहनना चाहिए। मेष राशि की तरह वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल ही है। काले रंग से मंगल देव रुष्ट जाते हैं, इसीलिए हाथ पैर में काला धागा बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक और अनिष्ठा का संकेत भी माना जाता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के माने तो काला धागा पहनने से बुरी नजर के अलावा शनि ग्रह भी मजबूत होते हैं, क्योंकि शनि का संबंध काले रंग से है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति सही करना भी काला धागा मदद करता है। माना जाता है कि अगर व्यक्ति दाहिने हाथ में काला धागा बांधता है तो उसे धन की कमी नहीं होती है, उसका जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतता है। पैर के अंगूठे में काला धागा बांधते हैं तो पेट संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती है। वहीं जिन लोगों को रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर है, वो लोग काला धागा बांध सकते हैं, इससे उन्हें लाभ होगा।